नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खतरे में केजरीवाल के 21 विधायकों की सदस्यता, राष्ट्रपति ने लौटाया बिल। नाराज केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली के संसदीय सचिवों को अयोग्य क्यों ठहराना चाहते हैं मोदी। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा केजरीवाल रंगे हाथ पकड़े गए। योगेंद्र यादव ने साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार रोकने आई पार्टी दूसरी पार्टियों से निकली आगे। कैराना मुद्दे पर बयान से पलटे बीजेपी सांसद हुकुम सिंह, कहा पलायन की वजह सांप्रदायिक नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर हमला, कहा बेवजह मीडिया में उछाला गया मुद्दा। वरुण गांधी के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, वरुण गांधी को बताया यूपी में सीएम पद का सही उम्मीदवार। यूपी चुनावों से पहले बड़े फेरबदल में लगी कांग्रेस, प्रभारी के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष पर मंथन। जितिन प्रसाद, प्रमोद तिवारी और शीला दीक्षित रेस में आ गए। देश में कभी भी हो सकता है अमेरिका के ओरलैंडो जैसा हमला, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को जारी किया अलर्ट। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली के साथ, जहां मौसम ने भले ही पारा लुढ़का दिया है, लेकिन सियासत का पारा बेहद गर्म है। संसदीय सचिव बिल को लेकर दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के उस बिल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, जिसमें आपके 21 विधायकों के संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से अलग करने का प्रस्ताव था। बिल पर राष्ट्रपति के दस्तखत से इनकार के बाद आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में सभी विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी, जिसके बाद अब 21 सीटों पर दोबारा चुनाव कराया जा सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये लाभ का पद नहीं है। राष्ट्रपति के इस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि कई राज्यों में संसदीय सचिव है और मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। इधर ये सभी 21 विधायक आज चुनाव आयोग जाएंगे, वहीं राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 13 मार्च 2015 को अपनी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त करने का आदेश पारित किया था। वैसे संसदीय सचिव पर जारी संग्राम के बीच जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल के वार पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपका झूठ पकड़ा गया। पात्रा ने कहा कि पहली बार किसी सीएम ने राष्ट्रपति पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि आप रंगे हाथ पकड़े गए हैं। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के पूर्व साथी रहे योगेंद्र यादव ने भी इस मामले को लेकर फेसबुक पर लिखा है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला विवाद एक बार फिर साबित करता है कि भ्रष्टाचार का खात्मा करने आई पार्टी राजनीतिक भ्रष्टाचार में दूसरी पार्टियों से आगे निकल चुकी है। और अब खबर यूपी से, जहां कैराना में हिंदुओं के पलायन का दावा करने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह अपने बयान से थोड़े पलटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि ये पूरा मामला सांप्रदायिक नहीं बल्कि अपराधियों से जुड़ा हुआ है। हुकुम सिंह ने कहा है कि जानबूझकर इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। कैराना में हिंदू मुस्लिम समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता का नतीजा है। पलायन करने वाले लोगों की लिस्ट पर सिंह ने माना कि उनकी लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, और अगर ये सच साबित होता है तो उन्हें माफी मांगने से भी परहेज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी ने चुनावी फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को मीडिया में उछाला है। और अब अगली खबर भी यूपी से, जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ऐसे में बीजेपी से सीएम उम्मीदवार कौन होगा, इस पर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की उन्होंने वकालत की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि मेरे हिसाब से यूपी में बीजेपी का सबसे सही चेहरा वरुण गांधी हो सकते हैं। वो युवा हैं और सब उनको प्यार करते हैं। उन्हें मौका दिया जाना चाहिए और जल्द से जल्द उनके नाम का ऐलान होना चाहिए। वैसे दिलचस्प बात यह है कि बिहारी बाबू का ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पिछले कुछ दिनों से वरुण गांधी से नाराज चल रहा है। वरुण को सुल्तानपुर से बाहर न जाने और राजनीतिक गतिविधियां अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रखने की हिदायत दी गई है। वैसे एक तरफ जहां बीजेपी में सीएम पद के नाम को लेकर चर्चा जोरों पर है, तो वही कांग्रेस में भी हलचल तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस लगातार बदलाव करने में जुटी है। गुलाम नबी आजाद को प्रभारी बनाए जाने के बाद अब बारी है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस किसी ब्राह्मण नेता को ही अध्यक्ष चुन सकती है। अध्यक्ष पद के लिए 3 नामों की चर्चा जोरों पर है, और इन नामों में
जितिन प्रसाद, प्रमोद तिवारी और शीला दीक्षित रेस में आगे हैं। इस मसले पर कांग्रेस आलाकमान बहुत जल्द फैसला लेगी। और बढ़ते हैं अगली खबर पर। अमेरिका के ऑरलैंडो में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी देश में वैसे ही हमले की आशंका जताई है। ISIS की गतिविधियों को इंटरनेट के जरिए देखने और उससे प्रभावित होने वाले जिहादी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों के लिए जारी की गई चेतावनी में कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में कोई अकेला हमलावर बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। देश में अब तक हुए हमलों में आतंकी ग्रुप में ही आकर वारदात को अंजाम देते रहे हैं, लेकिन अब ये एक नई मुश्किल हो सकती है। एक सीनियर खुफिया अधिकारी ने कहा कि हमारी जो मौजूदा चिंता है वो इकलौते हमलावर की ओर से होने वाले हमलों से निपटना है। अगर कोई शख्स बिना किसी को साथ लाए हथियार लेकर कहीं हमला बोल दे या कहीं विस्फोटक रख दे तो उसकी पहचान कर पाना आसान नहीं होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।